And we will see the importance of the atmosphere, why it is so important to the life of the beings. सबसे important जो चीज़ है, number one, it provides oxygen to breathe. ठीक है, तो एटमॉस्फियर जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है हमें ब्रीथ करने के लिए. सारे एनिमल और प्लांट जो भी लिविंग है सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ब्रीथ करने के लिए, विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द एटमॉस्फियर. सेकेंड थिंग, जो प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, तो प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड. ठीक है, तो प्लांट नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड विच इज प्रोवाइडेड बाय एयर. थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, अब यहाँ पे ध्यान देना है, मैं बोल रहा हूँ कि एटमॉस्फियर जो है कीप्स अस वार्म. हाउ? तो अपन को ये देखने का है कैसे. तो ये सन है, ठीक है, दिस इज सन, दिस इज अर्थ सरफेस, अर्थ का सरफेस है, अर्थ सरफेस, ठीक है, जहाँ पे हम लोग अभी हैं. तो यहाँ से सनलाइट आती है, ठीक है, इमेजिन दिस इज क्लाउड पार्ट, दिस इज क्लाउड्स, ठीक है, डस्ट भी है इधर, एंड हियर आर द प्लांट्स और ट्रीज. सो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट कि जब सनलाइट और हीट आती है, ठीक है, लाइट से, तो दिस इज सनलाइट विच प्रोवाइड लाइट एंड हीट टू द अर्थ. तो जो यहाँ से लाइट आई और हीट आई, ये आई यहाँ पे, तो कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है, तो दिस इज ऑब्जॉर्ब वन, एंड कुछ जो है वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो दिस इज एब्जॉर्ब्ड हीट बाय द क्लाउड, दिस इज रिफ्लेक्टेड बाय द क्लाउड्स. ऐसे ही जो नीचे आती है सरफेस पे, तो दिस इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सरफेस, एब्जॉर्ब्ड बाय द सरफेस, और कुछ जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है ऐसे, ठीक है, दिस इज रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ हीट बाय द सरफेस. अब क्या हो रहा है कि ये जो है ये पूरा एटमॉस्फियर है, दिस होल इट इज एटमॉस्फियर, ओके, दिस ऑल इज एटमॉस्फियर इन विच आई एम टॉकिंग अबाउट. तो कुछ हीट जो है जो अर्थ सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है, वो क्या होती है, ऐसे आके और यहाँ पे ऐसे एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती है, तो दिस हीट इज हीट ट्रैप्ड बाय एटमॉस्फेयर. ठीक है, सो अभी क्या हो रहा है कि ये जो हीट है ये क्या हो गया, ट्रैप हो गई यहाँ पे, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अर्थ जो अपना अर्थ है वो वार्म रहती है. तो वही मैंने बोला, दिस एटमॉस्फियर कीप्स अस वार्म. व्हाई? बिकॉज दिस हीट ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फियर एंड एब्जॉर्ब्ड हीट, ठीक है, दिस थिंग्स हेल्प टू कीप अस वार्म. सो आई कैन से हियर हाउ इट कीप्स अस वार्म by holding or trapping the surface heat on the earth and prevent it from radiating back to
द स्पेस। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को अपन बोल देते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि ग्रीन हाउस जो है वो कोल्डर कंट्रीज में क्या होते हैं, एक हाउस होते हैं ऐसे, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये सन होता है, ठीक है, सन से यहाँ हीट आती है अंदर, ये ग्लास का बना होता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ग्लास मान लो, ठीक है, ग्लास। यहाँ पे पौधे होते हैं, ठीक है, तो उनको जो है ये हीट ऐसे सन से आती है, अंदर आ जाती है, लेकिन फिर यहाँ पे ट्रैप हो जाती है, ठीक है। तो इस पूरे हाउस को अपन बोलते हैं ग्रीन हाउस, ठीक है, विच हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग द लाइट एंड हीट टू द प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ। ओके, सो दिस इज द थिंग। सो फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एटमोसफियर इज दैट इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन। ओके, जैसे अपन ने ओजोन लेयर के बारे में सुना होगा, ओजोन लेयर जो कि पार्ट है स्ट्रेटोस्फीयर का, जो अपन ने अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, सो इट हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और यूवी रेडिएशन फ्रॉम द सन विच कॉजेज द स्किन कैंसर। सो इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द स्किन कैंसर। द लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ऑल वेदर फिनोमिनास। ओके, ऑल वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, ठीक है, बरसात, स्टॉर्म्स, तूफान, ईटीसी अकर्स इन एटमॉस्फेयर। सो दिस इज इम्पॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी आर गोइंग टू सी इज द एक्टिविटी। व्हाट एक्टिविटी वी आर गोइंग टू सी इज कि अपन ने देखा होगा कि ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट है कहाँ, एयर में। तो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है ये अपन कैसे प्रूव करेंगे, तो इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं जो आप लोगों की बुक में दी हुई है। अपन कैसे उसको प्रूव करेंगे कि ऑक्सीजन जो है वो एयर में पाई जाती है, तो उसको प्रूव करने के लिए अपन ये एक्टिविटी करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एक बीकर टाइप का बर्तन लेते हैं, जैसे थाली है लेकिन उसकी बॉर्डर रेज है, पतीला बोलते हैं जिसको शुद्ध हिंदी में, ठीक है, जो अपने घरों में होता है ये ऐसा, तो ये पतीला, इसको थ्रो भी बोलते हैं, और थाली विथ रेज्ड बॉर्डर, ओके, वन कैंडल लेते हैं, दिस इज कैंडल, कैंडल लिया, पतीले में आधा पानी भर दिया, दिस इज कैंडल, ओके, कैंडल को अपन ने जलाया, तो ये लाइट किया कैंडल को, अब कैंडल जल रही है आराम से एयर में। अब अपन ने क्या किया कि एक ग्लास का जार लिया, पतला सा, ठीक है, ग्लास का जार लिया, तो ये अपनी कैंडल थी,
ये जल रही थी। तो ग्लास का जैसे अपन ने जार लिया, ग्लास जार, और इसको उल्टा कैंडल के ऊपर अपन ने ऐसे इसको ढक दिया, ठीक है। तो जैसे ही अपन ने ग्लास के जार से कैंडल को ढका, वैसे ही थोड़ी देर में क्या होता है कि जो कैंडल है वो बुझ जाती है, तो बस ऐसे धुआं रह जाता है। थोड़ी देर में कैंडल बुझ जाती है। क्यों बुझ जाती है? तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो इसके अंदर ऑक्सीजन थी कैंडल जार के अंदर, ठीक है, वो ऑक्सीजन बर्निंग में, थोड़ी देर बर्निंग में यूज हो गई। अब वो ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, तो ख़त्म होने के बाद अब ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, तो बर्निंग होगी नहीं, कैंडल जलेगी नहीं, तो कैंडल बुझ गई। और जो ऑक्सीजन यूज हो गई उसकी जगह पे क्या हुआ कि यहाँ से पानी जो है इसमें था, तो थोड़ा सा रेज हो गया, तो जो इसकी हाइट थी वाटर की वो ग्लास जार में थोड़ी बढ़ गई है, क्योंकि उसमें जो एयर थी, ऑक्सीजन थी, वो यूज हो गई है। सो दिस इज़ ग्लास जार जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अपन ने इसको ढका, दिस इज हाइट, टेंड मतलब कॉलम ऑफ वाटर, ठीक है। तो रेज्ड कॉलम ऑफ वाटर, थोड़ा सा वाटर का लेवल बढ़ गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये कैंडल बुझ गई। तो इस एक्टिविटी से अपन बोल सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो एयर में प्रेजेंट है। अब ये एक्सपेरिमेंट एक चीज़ और प्रूफ करता है, वो ये है कि जो ऑक्सीजन है वो हेल्प कर रही है किसमें, बर्निंग में। तो दिस एक्टिविटी प्रूव्स टू थिंग्स, वन दैट ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन एयर एंड ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग। ओके, सो ऑक्सीजन और एयर भी बोल सकते हैं, क्योंकि एयर में ही ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द एयर, और ऑक्सीजन और एयर हेल्प्स इन बर्निंग। दीज टू इंपॉर्टेंट थिंग्स प्रूव्स इन दिस एक्टिविटी। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, अब अपन क्या देखेंगे, हर गैस के बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे कि उसका इम्पॉर्टेंस क्या है हर गैस का। तो आई विल टेल यू दिस ओरली एंड आई विल प्रोवाइड इन द पिक्चर फॉर्म, सो यू डोंट नीड टू राइट दिस। सो एटमॉस्फेयर की वजह से क्या हो रहा है कि नेचर में बहुत सारे प्रोसेस चलते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या हो रहा है कि अर्थ है, अर्थ में जो रेज आ रही हैं सन से, वो क्या कर रही हैं, लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं और हीट प्रोवाइड कर रही हैं। तो इसकी वजह से तो अर्थ के कुछ पार्ट्स में क्या हो रहा है कि ज़्यादा लाइट और हीट आ रही है, कुछ पार्ट्स में कम हीट और लाइट आ रही है, जिसकी वजह से कुछ पार्ट्स हॉट हो गए, हॉटर हैं, कुछ पार्ट्स बिकम द कूलर। सो एंड सो दिस कॉजेज द चेंज इन द टेम्परेचर ओवर द अर्थ डिफरेंटली ऑन द डिफरेंट प्लेसेस। तो अपन कह सकते हैं कि जो पार्ट हॉट है उसके जो उसके ऊपर की जो एयर हो वो भी हॉट रहती है जो उसके कॉन्टैक्ट में है, और जो पार्ट कोल्ड हैं उनके ऊपर की एयर क्या होगी, कोल्ड होगी। तो इसकी वजह से जो टेम्परेचर डिफरेंस आया है, ठीक है, तो दिस डिफरेंसेस कॉजेज द मूवमेंट ऑफ एयर। इसकी वजह से एयर मूव होती है, क्योंकि देयर आकर्स आर प्रेशर डिफरेंसेस। तो वार्म एयर जो होती है, गर्म एयर है, वो ऊपर जाती है, और जो कोल्ड एयर है वो नीचे आती है। तो वार्म एयर ऊपर जाती है और कोल्ड एयर जो है ऐसे आके उसका प्लेस लेती है, जिसकी वजह से बहुत सारे फिनोमिना होते हैं। जैसे तो दिस मूवमेंट ऑफ एयर कॉजेज द ब्लोइंग ऑफ विंड, स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द एटमोसफियर। एंड सो वी आर नाउ गोइंग टू टॉक अबाउट द वाटर साइकिल।